सचिन तेंदुलकर, कोई उन्हें क्रिकेट का भगवान कहता है, कोई मास्टर ब्लास्टर। जब वे मैदान में बल्ला लेकर उतरते थे तो खचाखच भरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी, सचिन। उनकी हर बॉल पर लोगों की सांसें थम जाती थी, क्या चौके क्या छक्के और न जाने कितने शतक। सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं बल्कि अपनी कई बातों से लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। आइए उनके बर्थडे पर जानते हैं उनसे जुड़ी 10 बातें। 24 अप्रैल 1973 यही वो दिन है जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। सचिन ने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और 24 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करियर में उन्होंने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनके नाम सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। सचिन तेंदुलकर टेनिस प्लेयर जॉन मैकनरो के जबरदस्त फैन थे और क्रिकेट नहीं टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे। उन्होंने स्कूल के दिनों में बाल बढ़ाए और जॉन मैकनरो की नकल करने के लिए उसके चारों ओर एक बैंड बांध दिया। उनके दोस्त भी उन्हें मैकनरो कहकर बुलाते थे। क्रिकेट के शुरुआती करियर में सचिन एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन जब वो MRF पेस अकेडमी गए तो उनके मुख्य कोच डेनिस लिली ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सचिन तेंदुलकर भारत के पहले और एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहली रणजी, दिलीप और ईरानी ट्रॉफी मैच में शतक जमाया था। 1987 वर्ल्ड कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मैच के दौरान सचिन बाउंड्री के बाहर बॉल बॉय बने थे। उस समय सचिन की उम्र महज 14 साल थी। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। 19 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर काउंटी क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। सचिन तेंदुलकर का गाड़ियों के प्रति जबरदस्त क्रेज है। उनकी पहली गाड़ी मारुति 800 थी और उनके लिए सबसे खास दिन वो रहा जब डॉन ब्रेडमैन के 29 शतक के बराबरी करने पर दुनिया में सबसे तेज फरारी चालक माइकल शुमाकर ने फरारी 360 मोडिना उन्हें गिफ्ट की थी। जब सचिन अपने करियर के शीर्ष पर थे तो उस वक्त विश्व क्रिकेट में सबसे भारी बल्ले का प्रयोग सिर्फ वही करते थे। उनके बल्ले का वजन 3.2 पौंड था और जब वे 1995 में सबसे अमीर क्रिकेटर बने तब उन्होंने वर्ल्ड टेल के साथ 31.5 करोड़ रुपए के 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। सचिन तेंदुलकर एक बार पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग कर चुके हैं। 1988 में मुंबई के ब्रेब्रॉन स्टेडियम में खेले गए वनडे प्रैक्टिस मैच में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का काम किया था। 20 साल के होने से पहले सचिन टेस्ट क्रिकेट में 5 शतक लगा चुके थे। ये रिकॉर्ड अभी तक सुरक्षित है। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर विश्व भर के 90 स्टेडियम में खेल चुके हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत रत्न से नवाजा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1998 में उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 1894 रन बनाए थे जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन बनाने और 40 विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। वे राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। 1992 में सचिन सबसे कम उम्र में 1,000 टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिता ने प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा है। सचिन तेंदुलकर हर साल 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। हेडन ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 2008 में मोहाली टेस्ट के दौरान जब सचिन ने सर्वाधिक टेस्ट रन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था, मैदान पर इतना उत्साह था कि 20 मिनट तक आतिशबाजी के कारण खेल रोकना पड़ा ताकि धुआं छट जाए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।